पीएम आवास ग्रामीण योजना को लेकर जिलाधिकारी सीतापुर अनु सिंह ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। डीएम ने लिखित रूप में अपने निर्देशों में कई अधिकारियों और ग्राम प्रधानों से धनराशि की वसूली के लिए भी कहा है। क्या है पूरा मामला, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर बताइए कि जो डीएम है अनुज सिंह ने, उन्होंने कौन से निर्देश जारी किए हैं कि जो है अधिकारियों और ग्राम प्रधानों से धनराशि की वसूली की जाएगी? बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें कि जिला अधिकारी अनुज सिंह पीएम आवास योजना जो ग्रामीण है उसको लेकर बेहद सख्त नजर आए हैं। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों को एक पत्र जारी किया है। उस पत्र का मजमून जो है वो बहुत ही कड़ा कहा जाएगा। वो इसलिए कहा जाएगा क्योंकि जिला अधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की है, जिसको लेकर विभिन्न स्तरों से ऐसी उन्हें शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि उक्त योजना की पात्रता सूची में सत्यापनोपरांत लाभार्थी का नाम तो सम्मिलित किया जाता है, परंतु संबंधित पात्र लाभार्थी को प्रथम किस्त की धनराशि अवमुक्त किए जाने से पूर्व ही आवास साइट पर रिमांड मॉड्यूल कराकर अपात्र कर दिया जाता है। ये बड़ी शिकायत है और ऐसी शिकायतें जिला अधिकारी को प्राप्त हो रही थी। ये पत्र के माध्यम से उन्होंने स्वीकार किया है और ऐसी शिकायतें निरंतर बढ़ रही थी और बहुत सारे फरियादी ऐसी शिकायतों को लेकर अधिकारियों के दरबार में पहुंच रहे थे कि वो पात्र थे फिर भी उन्हें अपात्र करार दिया गया है। इसको लेकर जिला अधिकारी अनु सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है और इसी संदर्भ में जो पत्र सभी खंड विकास अधिकारियों को जारी किया है उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि प्रस्तुत जो प्रार्थना पत्र के क्रम में पात्रता की पुनः जांच कराए जाने पर, मतलब पुनः जो जांच है उसको कराए जाने पर कतिपय लाभार्थी वास्तविक रूप से पात्र पाए जाते हैं। देखिए बहुत बड़ी बात कही, जिन्हें अपात्र करार दे रहे हैं अधिकारीगण और ब्लॉक का जो काकस है, ब्लॉक के अधिकारियों का, कर्मचारियों का, प्रधान का, वो एक पूरा काकस है जो अपात्र करार जिन्हें दे रहा था। और जब शिकायतें अधिकारियों के पास पहुंच रही थी तो उसकी जब जांच कराई जा रही थी तो जांच में फिर से वो पात्र की श्रेणी में पाए जा रहे थे। ये बहुत ही गंभीर बात है और ऐसा जिलाधिकारी ने अपने पत्र में माना है। तो उन्होंने कहा कि वो जब जांच कराई जाती है तो वही अपात्र जिन्हें वो करार दे देते हैं वो फिर से पात्र पाए जाते हैं। इसको लेकर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई है और कहा है निश्चित रूप से केंद्र सरकार से संचालित योजना के प्रति यह जो कार्यशैली है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अधिकारियों की जो कार्यशैली है ये प्रश्न चिन्ह लगा रही है, ये जिलाधिकारी ने अपने पत्र में माना है। इसको लेकर जो पत्र जारी किया उसके आगे में आगे क्रम में जो लिखा है वो भी आपको बता रहे हैं कि उन्होंने जो निर्देश दिए हैं, अब जो निर्देश दिए हैं उसमें कहा है कि जो ये योजना है यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसको लेकर पात्र लाभार्थी के चयन के साथ ही उसकी पात्रता अपात्रता की गहनता से जांच कर ली जाए। ये निर्देश दिए गए हैं कि जब इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी के चयन के समय ही उसकी पात्रता और अपात्रता की गहनता की जांच कर ली जाए, बाद में ऐसा कुछ भी ना हो कि जो पात्र है उसको अपात्र करार दिया जाए, इसलिए पहले से ही चयन हो जाना चाहिए। और जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि यदि पात्र लाभार्थी बगैर किन्हीं कारणवश अपात्र किया जाता है तथा पुनः जांच के समय वह पात्र पाया जाता है तो उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए बहुत बड़ी चेतावनी है जिलाधिकारी की उन अधिकारियों के लिए। और जिलाधिकारी ने आगे निर्देश दिए हैं कि जो अपात्र पाए जाने की स्थिति में शासकीय धनराशि का सदुपयोग मानते हुए धनराशि की वसूली संबंधित खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव, चयन के पूर्व सत्यापनकर्ता अधिकारी एवं संबंधित ग्राम प्रधान से समानुपातिक रूप से की जाएगी। देखिए बहुत बड़ा निर्देश जारी हुआ है उन अधिकारियों के लिए जो ब्लॉक में ये खेल हो रहा था, जिसको
कई मामलों को लेकर जिला अधिकारी ने पकड़ा है और उसके बाद ये निर्देश जारी हुए हैं। हम आपको पुनः एक बार बता दें कि ऐसे मामलों में जिला अधिकारी ने साफ तौर पे कहा है कि यदि पाया जाता है मामला, उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई तो की ही जाएगी तथा अपात्र पाए जाने की स्थिति में शासकीय धनराशि का सदुपयोग मानते हुए धनराशि की वसूली संबंधित खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव, चयन के पूर्व सत्यापन कर्ता अधिकारी एवं संबंधित ग्राम प्रधान से समानुपातिक रूप से की जाएगी। देखिए, जिलाधिकारी के जो अस्पष्ट निर्देश हैं, अब उन्होंने चेतावनी भी दी है, ऐसे मामले यदि आते हैं तो निश्चित तौर पर आगे चलकर अब एक्शन मोड में भी वो नजर आएंगे। ये पत्र लिखित रूप से उन्होंने जारी कर दिया है, इसके मायने हैं दूर तक। अगर इसके बावजूद भी पात्र और अपात्र का खेल प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी महत्वपूर्ण योजना में अगर होता है तो निश्चित तौर पर अब जिला अधिकारी एक्शन के मोड में होंगे, कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे, ये उन्होंने अपने पत्र में जाहिर कर दिया है। जी सर, बिल्कुल। तो पीएम नरेंद्र मोदी का डीम प्रोजेक्ट भी है, पीएम आवास योजना, कि हर बेघर को छत मिले, उसी को लेकर सीतापुर के जो जिलाधिकारी हैं अनुज सिंह, उन्हें कई शिकायतें मिली हैं कि पहले तो जो लाभार्थी है उसका नाम पात्रता सूची में होता है और जब प्रथम किस्त देने की बारी आती है तो उसका नाम जो है पात्रता सूची से काट दिया जाता है, जिसकी जाँच भी कराई गई तो कई ऐसे लाभार्थी पाए गए जो पहले पात्रता सूची में थे और बाद में अपात्र कर दिए गए और वो पुनः पात्रता सूची में आ गए, जिस पर उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी जारी की कि अगर कि चयन के समय ही पात्रता अपात्रता के चयन की जांच कर ली जाए और अगर दोबारा जांच में अपात्र किया गया व्यक्ति पात्र पाया गया और ऐसी शिकायतें उन तक आई तो संबंधित खंड विकास अधिकारी, सेक्रेटरी, सत्यापनकर्ता अधिकारी और प्रधान से समानुपातिक राशि जो है धनराशि की वसूली की जाएगी। तो बहुत बड़ी बात है और उन्होंने इस जो पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको लेकर कड़े निर्देश अधिकारियों से लेकर ग्राम प्रधानों तक के दिए हैं। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए दर्शकों को। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।